पश्चिम बंगाल में इस वक्त एक नाम काफी चर्चा बटोर रहा है और वो एक जज का नाम है जो ममता सरकार पर कई आरोप लगा रहा है और बता रहा है कि ममता सरकार में जजों से मनमाना काम कराया जाता है और अब यही जज बीजेपी का होने जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वो वाकई सच कह रहा है या फिर सच कुछ और है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। आज इन सवालों के जवाब हम आपको देंगे क्योंकि इस जज का नाम है अभिजीत गंगोपाध्याय जो कोलकाता हाईकोर्ट के जज रहे। फिलहाल अभिजीत गंगोपाध्याय अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। हाईकोर्ट में बतौर जस्टिस अभिजीत के कार्यकाल के दौरान कई बार ऐसे विवाद खड़े हुए जब कहा गया कि अभिजीत टीएमसी सरकार को निशाना बनाने में जरा भी नहीं चूकते और सारे फैसले ममता सरकार के खिलाफ ही करते हैं। पर क्या वाकई ऐसा था, जिसका जवाब आज हम आपको देते हैं। दरअसल जस्टिस गंगोपाध्याय ने ममता सरकार से जुड़े कुल 14 मामलों को ईडी सीबीआई को सौंपा, जिससे सवाल उठे कि क्या राज्य में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, क्या लोगों का सरकार और पुलिस पर से भरोसा उठ गया है, लोग अदालत जा रहे हैं और अदालत मामले को सीबीआई को सौंप रही है। ये ऐसे सवाल थे जो बार बार पूछे जा रहे थे। दरअसल पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में भी सुनवाई के दौरान अभिजीत गंगोपाध्याय के फैसलों पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। इस मामले में भी उनके फैसलों के चलते टीएमसी के कई पूर्व मंत्री और विधायक फिलहाल जेल के अंदर हैं। इसी वजह से हर बार अभिजीत गंगोपाध्याय पर आरोप लगते रहे कि वो टीएमसी यानी ममता सरकार के विरोधी हैं और इसी वजह से ऐसे फैसले दे रहे हैं। साथ ही मई 2018 से हाई कोर्ट में कुर्सी संभालने के बाद से अभिजीत गंगोपाध्याय पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो बड़ी बेंचों के आदेशों को नजरअंदाज भी करते हैं, उन पर राजनीतिक मुद्दों पर टीवी चैनलों से बात करने और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार तक को आदेश देने के आरोप है। दरअसल मामला कुछ यूं है कि अप्रैल 2023 में टीचर भर्ती घोटाले से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान अभिजीत ने एक लोकल बंगाली न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने टीएमसी नेता और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की भूमिका पर बात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था कि मौजूदा जजों का टीवी चैनलों को इंटरव्यू देने का कोई औचित्य नहीं है। इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से एक रिपोर्ट मांगी। इसमें पूछा गया कि क्या जस्टिस अभिजीत ने वाकई इंटरव्यू दिया था। शीर्ष अदालत ने यह भी साफ कहा कि अगर जस्टिस गंगोपाध्याय ने वास्तव में इंटरव्यू दिया है तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिसके बाद भी अभिजीत गंगोपाध्याय काफी चर्चा में आ गए थे। उस वक्त सीजेआई डीवाई चंद्रचूड ने कहा था कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जज को उन मामलों पर इंटरव्यू नहीं देना चाहिए जो लंबित हैं। सवाल ये है कि क्या एक जज जिसने राजनीति से जुड़े लोगों पर बयान दिया है उसे सुनवाई का हिस्सा रहना चाहिए। जिसके बाद ये मामला काफी सुर्खियों का विषय भी बना था। यानी ये कहा जा सकता है कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय हमेशा विवादों में रहे और लंबे विवादों से भरे करियर के बाद अभिजीत इसी साल अगस्त में अपने पद से रिटायर होने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनकी तरफ से कहा गया कि वो अब राजनीति में इसलिए शामिल होना चाहते हैं क्योंकि जजों को सरकार के मुताबिक फैसला देना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक अभिजीत के सीपीआई ज्वाइन करने की भी खबरें चल रही थी, हालांकि उन्होंने किसी भी कीमत पर वामदल के साथ ना जाने की वजह बताई और कहा, मैं धर्म में विश्वास करता हूं, भगवान में विश्वास करता हूं, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा, यानी मैं उस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। और टीएमसी को लेकर भी जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने बयान दिया था और कहा था कि राजनीति में आने की मंशा के पीछे टीएमसी एक बड़ी वजह रही। अभिजीत ने कहा टीएमसी ने उन्हें राजनीति में आने पर मजबूर कर दिया। अभिजीत ने यह भी कहा कि सत्ता पक्ष यानी टीएमसी ने कई बार मेरा अपमान किया, टीएमसी के प्रवक्ताओं ने मेरे खिलाफ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया, टीएमसी के नेताओं ने मुझे कई बार मैदान पर आकर लड़ने की चुनौती दी, इसलिए मैंने उनकी इच्छा को पूरा करने का सोच लिया। दरअसल बीते साल सितंबर के महीने में टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा था कि अभिजीत को जज की कुर्सी छोड़कर राजनीति में आना चाहिए। कुणाल कलकत्ता हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अभिजीत के एक बयान को राजनीति से प्रेरित बता रहे थे।
नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने अभिजीत को राजनीति में आने की सलाह दी थी। इसलिए कह सकते हैं कि ये सलाह अब अभिजीत ने मान ली है। वहीं लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर जस्टिस अभिजीत का कहना है कि ये पार्टी तय करेगी कि अभिजीत चुनाव लड़ेंगे या नहीं। दो दिन पहले जब उन्होंने कहा था कि इस्तीफा देने के बाद राजनीति में आने वाले हैं, तब उनसे पूछा गया कि वो किस पार्टी में शामिल होंगे। तब उनका कहना था कि वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी या कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अभिजीत बीजेपी के टिकट पर तमलुक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अब जबकि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी है, तब उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके कई फैसले तटस्थ नहीं थे, यानी उनके कई फैसले सही नहीं थे। और वो फैसले इसलिए सही नहीं थे क्योंकि वो बीजेपी में आकर अपना भविष्य संवारना चाहते थे। खैर, कई ऐसे सवाल हैं जो टीएमसी उनसे पूछ रही है, क्योंकि बीजेपी में आने से अभिजीत गंगोपाध्याय को टीएमसी घेरने का काम कर रही है। और जब अब लोकसभा चुनाव नजदीक है और खबर है कि बीजेपी से अभिजीत गंगोपाध्याय लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो ये सवाल भी खड़े हुए कि क्या वाकई एक जज सरकार के दबाव में था, या वो सरकार के खिलाफ बस इसलिए फैसला दे रहा था क्योंकि उसे राजनीति में आकर अपना भविष्य सुधारना था। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।